हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट मंगाया था अमेज़ॉन से, दोपहर में डिलीवर हुआ था, पर देन शानू को मैं ट्यूशन छोड़कर आई थी तो तब ये नहीं हो पाया था। अभी बस फ्री होकर बैठी थी, सोचा इसको असेंबल कर लेती हूँ। ये इस तरह से आएगा वो मुझे पता नहीं था। इसका स्टेम अलग थे, लीव्स अलग थे, दो थे, तो मैंने सोचा चलो खुशी के साथ मिल कर ये करते हैं। एंड ये ऐसा कुछ लग रहा है। और मैं बस कुछ कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट नाइट मम्मी पापा आए थे, काफ़ी देर हम लोगों ने बातें करी थी, तो ये डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट डे मैं छोले भटूरे बनाऊँगी हम सभी के लिए। हम लोग सभी मिल कर के डिनर भी करेंगे और बातें बातें करेंगे, मूवी वगैरह देख लेंगे। उसी हिसाब से मैंने सुबह में छोले जो हैं सोख कर दिए थे। यहाँ मैं छोले को उबालने की तैयारी कर रही हूँ, साथ में मैंने खट्टे आलू बनते हैं छोले के साथ यूजुअली, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। इस वक्त तक मुझे पता नहीं था, आई वॉज प्लानिंग कि वो आ ही जाएंगे तो फिर हम सब के लिए इतना लगेगा, उस हिसाब से मैं तैयारी कर रही थी। बट थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया एंड दे सेड कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मालूम नहीं ये कैसा सॉल्ट है, आप देखो ऊपर ही ऊपर फ्लोट हो रहा है। बाय द वे ये टाटा टाटा सॉल्ट समथिंग था, मैं पहली बार लाई हूँ ये पैकेट। हाँ बैठ गया। और ये मैं है ना छोले उबालने के लिए रख रही हूँ, मुझे छोले बनाने हैं। मैं वैसे जब छोले बनाती हूँ ना तो उसके लिए जब भी छोले उबालती हूँ तो मैं इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलाती हूँ, बट मुझे ये छोले थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो प्रॉब्लम मुझे थोड़े बचाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं इसमें कुछ भी मसाले नहीं कर रही, सिर्फ नमक के साथ इसे बॉईल कर रही हूँ। तो आगे इसको है ना फिर अगर ज़्यादा पड़ते हैं तो आगे किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा, अगर सिर्फ सॉल्ट के साथ बॉयल रहेगा। मसाला कर दूँगी तो मुझे वापस से फिर छोले की सब्ज़ी ही बनानी पड़ेगी। और यूँ तो मैं छोले भटूरे की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी हम खुद ही कुछ कुछ नए नए चेंजेस करके देखते हैं ना कि ऐसा करके कैसा रहेगा, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं फिर आपके साथ दोबारा से वो रेसिपी शेयर करती हूँ, कुछ अच्छा नहीं निकलता तो वो नहीं शेयर करती। तो लेटली मैंने भटूरे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना शुरू किया। मैं ये पहले ट्राई कर चुकी हूँ, अच्छे निकले थे, तो आई थॉट ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं छोले की भी एक डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भटूरे यूजुअली दही, बेकिंग पाउडर, वो सब मिला करके 2 घंटे जैसा आटे को रेस्ट करा करके ऐसा डो लगाया जाता है। बट मैंने सोचा कि मैं आज इसमें यीस्ट डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब हम पिज़्ज़ा वगैरह के लिए डो बनाते हैं, बढ़िया बनता है डो। तो मैंने आज बस उसी तरह से जो डो है भटूरे का लगाया है। मैंने यहाँ पर मैदा लिया था, आप 50-50 मैदा और गेहूँ का आटा कर सकते हो। और बस मैंने थोड़ा सा एक्टिव ड्राई यीस्ट डाला, तो कुछ सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने, क्योंकि यीस्ट है तो उसके लिए शुगर ऐड करना ज़रूरी है, तो पाउडर्ड शुगर रखी थी मेरे पास थोड़ी सी, वो मैंने 1 बड़ा चम्मच जैसी ऐड कर दी थी। साथ में मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है और गुनगुने पानी से मैं ये आटा लगा रही हूँ, क्योंकि यीस्ट है ना तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ठंडा पानी नहीं चलेगा, थोड़ा सा गुनगुना जैसा, वॉर्म भी नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा बस छूने में हल्का गर्म लगे ऐसा गर्म आटा ले लीजिए, मतलब पानी ले लीजिए और इससे फिर डो लगा लीजिए। और इस डो में क्योंकि सूजी डाली है तो सूजी काफ़ी सारा पानी जो है अब्सॉर्ब करती है, उसको फूलने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। तो ये आटा मैं थोड़ा, जैसा भटूरे के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा गीला लगाऊंगी, सो दैट जितना टाइम इसको रेस्ट होने के लिए मिलेगा, आटा प्रूव होगा, उतने में जो सूजी के कण हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएँ। तो ये आटा अभी थोड़ी देर पहले जैसा था तो लग चुका था, लेकिन वही सूजी की वजह से मैंने इसमें थोड़ा और पानी मिलाया है और ये अभी थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है। डोंट वरी, ये अच्छा हो जाता है, लाइक बिल्कुल ही पतला आटा ना कर दें पर थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, तो इसे ढक्कन लगा के रख दीजिए वार्म जगह पर थोड़ा प्रूव होने के लिए, लाइक 1 घंटा जैसा इसको दे दीजिए तो अच्छा आटा आपका तैयार हो जाएगा। हस्बैंड घर आ चुके थे तो फिर मैं बना रही हूँ चाय हम सब के लिए। यूजुअली मैं जो बैग होता है मिल्क बैग, वही मंगा
मंगाती हूँ, बट सुबह से देख रही हूँ ब्लिंकिट भी और इंस्टामार्ट भी दोनों के दोनों अनअवेलेबल आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे है ना एकदम बेमौसम की बरसात कभी भी हो जाती है, तो इसकी वजह से उन दोनों के ही सर्विसेज बंद हो जाते हैं बारिश की वजह से। कभी कभी सर्विसेज खुलती भी हैं तो उसमें फिर वो सरचार्ज लेते हैं कि रेन है तो उसकी वजह से सर्ज लगेगा। सारा दिन वेट करते करते मुझे वो अवेलेबल दिखे ही नहीं, तो दूध नहीं आया। फिर शाम होते होते अवेलेबल था, लेकिन सारा जो बैग वाला दूध है वो निकल चुके थे। तो ऐसी सूरत में मैं फिर टेट्रा पैक मंगा लेती हूँ, तो आज टेट्रा पैक ही आया था तो उसी की चाय बना रही हूँ। ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, इसकी लाइफ भी बहुत होती है, इसको बॉयल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वंस इन अ वाइल आप ये मंगा के रख सकते हो रेफ्रिजरेटर में, अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि दूध कभी कभी नहीं मिल पाता। और ये जो छोले हैं, अच्छा हुआ मैंने ये सिर्फ नमक के साथ बॉईल करे थे अभी, क्योंकि मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, मैंने सबके हिसाब से ही छोले उबाल लिए थे। तो फिर मैं इसमें से थोड़े से छोले निकाल लूँगी, अभी इतने सारे तो मुझे नहीं बनाने हैं। जो ये उबले हुए छोले हैं इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं। अभी मेरे पास ये रखे हैं तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ थोड़े छोले बचा लिए हैं जितने मुझे अभी पकाने हैं उसके हिसाब से, और अभी इसको प्रोसेस करेंगे। तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि आज मैं छोले ऐसे बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी लहसुन नहीं खाती है ना, तो बिना लहसुन का बिना प्याज का छोले आज मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छे बने थे, आप ये रेसिपी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छे लगेंगे। तो उबाल लिए थे मैंने छोले, सोडा वोडा कुछ नहीं ऐड किया है उसमें। ये एक बड़ा चम्मच या दो छोटे चम्मच जैसा धनिया का पाउडर तवा पे मैंने भून लिया था, काला नहीं करना बस भून लेना है, थोड़ा ब्राउन सा अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें, वो ऐड कर दिया है उबले हुए छोले के अंदर। एंड देन थोड़ा चाय पत्ती का पानी मैंने बना लिया था फॉर कलर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको डार्क कलर नहीं चाहिए तो आप ये ना डालें। और इसके बाद फिर तीन चार टमाटर मैंने पीस लिए थे, सिर्फ टमाटर हैं ये और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये ऐड कर दिया है पीसे हुए टमाटर। कुछ एक बे लीफ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसका टेस्ट अच्छा आता है और छोले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है मोटी इलायची का भी, तो दो मोटी इलायची मैंने ऐड करी है। थोड़ा काला नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी हल्दी कि कलर नहीं ख़राब हो, थोड़ा लाल मिर्ची और मेरे अपने ही ब्रांड उत्तम रसोई स्पाइसेस का छोले मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। अभी तक आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी ये सारी ही चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको ढक्कन लगा के वापस से दो तीन सीटियाँ ले लें। और आपने ध्यान दिया अभी तक इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई भी फैट नहीं डाला है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही बिना फैट का बना सकते हो। ऑल्सो नमक दो तीन स्टेजेस में जा रहा है तो नमक का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर एक डेढ़ घंटा हो गया था आटे को प्रूव होते हुए, ये देखें कितना ज़्यादा फूल गया है। तो अभी एक चम्मच जैसा मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो, थोड़ा सा हाथ ग्रीस कर लीजिए, डो को ग्रीस कर लीजिए और अभी इसको वापस से इकट्ठा कर लें हल्के हाथों से। बहुत ही अच्छे इसके भटूरे बनते हैं, स्लाइट एकदम मीठे नहीं बट स्लाइट वो एकदम आफ्टर टेस्ट आता है स्वीट वाला, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। आप ट्राई करके देखना इस तरह एक बार, आपको अच्छे लगेंगे। मैंने वापस से डो को थोड़ा तैयार कर लिया है, ढक्कन लगा के रख दिया है, डो इज़ रेडी, एकदम इसके अभी भटूरे बनाए जा सकते हैं। बट मैं पहले ज़रा खट्टे आलू बना लूँ, इसके बाद लास्ट में गर्मा गर्म भटूरे सर्व करूँगी। तो खट्टे आलू मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, सबको पसंद आते हैं और ये छोले के साथ खाए भी जाते हैं। ये रेसिपी एकदम ही बढ़िया वाली है, आप आंखें बंद करके इसको फॉलो कर सकते हो, बढ़िया खट्टे आलू आपके तैयार होंगे। उबले हुए आलू को काट करके बड़े बर्तन में फैला लिया था मैंने, जिससे हर चंक पे मसाला गिरे, और मैंने इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा ही लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया है। इसे आप बोल में भी रख सकते हो, बट देन हर जो आलू का पीस है उसके ऊपर मसाला नहीं आएगा, इसलिए मैं खुले बर्तन में इसको बनाती हूँ। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट, सफ़ेद वाला नमक और थोड़ा सा काला नमक भी। और इसके बाद आपको इसको टॉस करना है, आप जैसे देख रहे हो ना स्क्रीन पे मैं कैसे इसको टॉस कर रही हूँ, इसको हाथ नहीं लगाना है और चम्मच से भी मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आलू ना टूट जाते हैं और हाथ से करेंगे तो बहुत सारा मसाला हाथों पे भी चिपक जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको टॉस करते रहेंगे तो थोड़ी ही देर में सारा का सारा मसाला आलू पर चिपक जाएगा। इसको आपको तब तक टॉस करना है जब तक कि जो
ये पाउडर मसाले हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हर आलू को कोट कर लें। जो छोले भटूरे हैं वो लगभग हर जगह बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ में इनका अलग ही अपना चार्म है और बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे बनाए एंड सर्व किए जाते हैं। जो भटूरे होते हैं उसको भी स्टफ़ किया जाता है एट टाइम्स पनीर वगैरह से, छोले में भी पनीर के चंक्स ऐड कर दिए जाते हैं और इसके साथ ज़रूरी तौर पर फ्राइड मिर्ची, खट्टी खट्टी प्याज, खट्टे आलू ज़रूर से सर्व किए जाते हैं। तो इससे है ना बहुत ही मज़ा दुगना हो जाता है छोले भटूरे खाने का। तो अभी छोले हमारे सीटी ले रहे हैं, मैंने 4 सीटियाँ लगा ली थी। अब भी सोडा मत डालिएगा छोले में वरना वो बिल्कुल ही गल जाएंगे, ऐसे फिर आप जो एडिशनल सीटी लगा रहे हैं ना उसमें बिल्कुल वो एकदम सॉफ्ट मशी मशी हो जाएंगे। सॉफ्ट तो कुक करने हैं हमको लेकिन वो अपना शेप रिटेन करें ये ज़रूरी है। यहाँ पर एक फाइनल तड़का की तैयारी मैं कर रही हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें इस तरह से स्लिट कर ली हैं और छोले में बहुत अच्छा लगता है अदरक, तो मैंने थोड़ा बारीक बारीक अदरक काट लिया है। और ये है मेरा नया कढ़ाई, ये सुपर स्मूथ कास्ट आयरन कढ़ाई है फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली। और ये है ना प्री सीजनड आती है, इसको आपको सीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ नेचुरली नॉन स्टिक, 100% प्योर है, टॉक्सिन फ्री है। और ये है ना क्योंकि कास्ट आयरन की बनी है तो ये आपके फूड को आयरन से फोर्टिफाई करती है। इसमें आप ग्रेवीज बना सकते हो, सूप, सौते, फ्राई, बॉइलिंग राइस डिशेस, जो चाहें वो बना सकते हो। इसका कैपेसिटी भी अच्छा खासा है और आयरन के बर्तन में खाना बनाने से ना उसका टेस्ट भी बहुत इन्हांस हो जाता है। तो मैं खट्टे आलू इसी में बनाऊंगी और उससे पहले मुझे छोले को तड़का देना है ना, तो तड़का भी से मैं दूंगी। और तड़का मैं दे रही हूँ घी में, 1 चम्मच घी मैंने लिया है, आप बढ़ा कर भी डाल सकते हो क्योंकि छोले काफ़ी सारे हैं, घी का तड़का उसमें अच्छा लगता है, बट मैंने बस 1 चम्मच ही ऐड किया है। और तड़का ना घी से ही दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो घी के अंदर मैंने ऐड किया था मिर्ची और अदरक जो भी काटा था और उसको भून लेना है, बिल्कुल लाल नहीं करना है, अच्छा मिड वे भून लीजिए। और जैसे ही मतलब कलर आने लगे बस इस स्टेज पे इसके अंदर छोले ऐड कर दें, 3-4 करछी, और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है मैंने, थोड़ा गर्म मसाला ऐड कर दिया है और इसके बाद थोड़ा सा आमचूर का पाउडर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा अनारदाना पाउडर यहाँ ऐड कर सकते हो, खट्टे आलू में भी अनारदाना पाउडर आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है, बट वो ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं इसलिए मैंने रेसिपी में इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद पोटैटो मैशर से मैं ये सारे छोले मैश करूँगी और थोड़ा थोड़ा छोले की ही जो ग्रेवी है वो ऐड करती जाऊँगी इसके अंदर। तो मैं सारे ही छोले को तड़का लगा रही हूँ तो इसलिए मैंने ये वाले छोले थोड़े से ज़्यादा मैश कर लिए हैं क्योंकि ये बाकी छोले के अंदर जा कर के अच्छी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा छोले एक साथ उबाल लेते हो और आपको अभी खाने कम है तो जितने आपको खाने हैं बस उतने को ही आप इस तरह तड़का लगा के तैयार कर सकते हो। मैंने ये जो अभी मैश किए हुए हैं छोले ये सारे ऐड कर दिए हैं कुकर के अंदर। अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है बट इसमें बॉईल आएगा ना तो बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और आपको कितने छोले आखा रखने हैं, खड़े खड़े रखने हैं और कितने मैश करने हैं वो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। इसको एक बॉईल ले लिया है मैंने, लुक एट द कंसिस्टेंसी एंड द कलर, बहुत ही बढ़िया छोले बन करके तैयार हुए हैं। आप ट्राई ज़रूर करना, थोड़ी हटके रेसिपी है और थोड़ी कम फैट वाली है, जिंजर ही ऐड किया है मैंने इसमें, गार्लिक और अनियन ऐड भी नहीं किया है। तो आप आने वाले त्यौहार के दिनों में ये रेसिपी जो है डेफिनेटली बना सकते हो आपके गेस्ट के लिए पूजा के दिन पर। और वीडियो में दिखाए गए सभी कुकवेयर को ख़रीदने के लिए मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड है, इसका इस्तेमाल करने से आपको वेबसाइट पे जो भी ऑफर चल रहा है उसके ओवर एंड अबव अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोई भी इंडस वाले प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो तो मेरा डिस्काउंट कोड ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। लिंक प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए भी और डिस्काउंट कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं डिस्काउंट कोड स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी। चलिए छोले भी रेडी हो चुके हैं, फटाफट से ना खट्टे आलू बना लेते हैं। तो मैंने मेरा जो इंडस वैली का कास्ट आयरन का सुपर स्मूथ कढ़ाई है इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा ऑयल, आप घी भी ले सकते हो, और ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, और इसके बाद सीधे ऐड कर दिए हैं आलू। आपने देखा
सारा का सारा जो मसाला था आलू पे बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक चुका है। और अभी है ना इसको एक्चुअली भूनना है, तो मैंने सारे आलू को जो फैट है उसमें कोट कर लिया और इसके बाद इसको स्प्रेड करके रख दें एंड थोड़ा देर छोड़ छोड़ कर इसको पकाएं ऐसा लाल कलर लाने के लिए। एंड इट टेस्ट सो गुड। जो बाहर हलवाई वगैरह बनाते हैं ना वो लोग तो आलू को फ्राई करके बनाते हैं, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि फ्राई हो जाते हैं, लेकिन आप इस तरह आलू बॉईल करके इस तरह फ्राइंग कर सकते हो। मतलब इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि इसमें ना बड़ा अच्छा वो रोस्टिंग इफ़ेक्ट आता है। एंड फैला फैला के बार बार इसको आप लाल कर लीजिए और एकदम बढ़िया ऐसे लाल लाल ड्राई ये आलू तैयार हो जाएंगे एंड द टेस्ट सो गुड। ऐसे भी आप इन्हें पराठा रोटी पूरी के साथ खा सकते हो, किसी भी थाली में साइड में लगा सकते हो, लेकिन ये छोले के साथ तो अलग ही मज़ेदार लगते हैं। जो छोले भटूरे की थाली रहती है ना उसमें ज़रूर से प्याज रखा जाता है, इंस्टेंट पिकल भी बना लेते हैं प्याज का, और कभी कभी सिर्फ नींबू वाले या सिरके वाले प्याज भी रख दिए जाते हैं। तो मैं नींबू वाला प्याज बना रही हूँ। प्याज को थोड़ा बारीक बारीक मैंने इस तरह काट लिया है और उसके बाद फिर इसे हाथों से मैश कर लेना है जिससे सारे इसके जो लेयर्स हैं वो खुल जाए। ऐड किया है मैंने इसके अंदर नींबू का रस, साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर। आपको बहुत अच्छा कलर भी चाहिए तो फिर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कीजिएगा, तो एकदम लाल लाल बढ़िया सुंदर ये मिर्चियाँ तैयार होती हैं। थोड़ा सा मैंने काला नमक ऐड किया है, आज धनिया नहीं था मेरे पास, किसी भी चीज़ में मैं धनिया नहीं ऐड कर पाई। आपके पास धनिया है तो ज़रूर से ये प्याज में भी धनिया ऐड कीजिएगा, खट्टे आलू में भी ऊपर से धनिया मिलाइएगा और छोले में तो मिलाइएगा ही, बहुत अच्छा लगता है। ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा थाली के लिए सैलेड भी, तो खीरे काट लूँगी। और इतने में मैंने छोले को तड़का लगाया है, आलू बनाए हैं, सैलेड काटा है, इतने में जो आटा है वो डबल प्रूव हो चुका है वापस से, कितना अच्छा राइस हो चुका था, एकदम स्मूथ बनता है। और इससे जो भटूरे बने थे ना वो टेस्टी तो थे ही देखिए अनडाउटली, लेकिन उसने बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया था। मैं आपको बाद में ना भटूरा खोल कर भी दिखाऊँगी, कुछ ज़्यादा ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं किया। और दूसरा वो जो भटूरे कभी कभी खिंचे खिंचे से बनते हैं ना ऐसे जैसे रबर खींच रही हो, ऐसे भी ये नहीं थे, एकदम क्रिस्पी भी और सॉफ्ट भी ये बने थे। तो मैं बस एक एक करके भटूरे जो है फ्राई कर लूँगी, और भटूरे रखे हुए नहीं अच्छे लगते, तुरंत ही उसे पकाएं, तुरंत ही उसे खाएं, तभी उसका मज़ा आता है। और जब मैं गर्मा गर्म भटूरे बना रही थी तब शर्मा जी और बच्चे लोगों ने खाना खा लिया था और मैं भी आकर बैठी हूँ, तो ये थाली हस्बैंड ने ही मेरे लिए लगाई है। एंड लुक एट दीज भटूरे, उधर साइड में जो दोनों भटूरे रखे हैं उसे देखकर भी पता चल रहा है कि बहुत ऑयली नहीं है, और मैंने आपको हाथ में लेकर खोल कर भी दिखाए हैं, बहुत अच्छे जालीदार भी बने हैं, ऑयली भी नहीं है और ये रबर जैसे भी नहीं है। आप ट्राई कीजिएगा ये छोले भटूरे विद खट्टे आलू, आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर।
थाली में फ्राइड मिर्ची की कमी लग रही है, अब देखकर याद आ रहा है, उस वक्त ध्यान नहीं आया, जल्दी जल्दी में बनाया था मैंने। कल फिर से मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया था, तो बस थोड़ा सा फिर वो हो ही जाता है ना, जब पेन हो रहा होता है तो दिल पूरा नहीं लगता। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।